परेड विसर्जन की अनुमति चाहता हूं श्रीमान। अभी हमारे पास डिस्प्ले में हमारे इक्विपमेंट्स हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के, या जो हम फायर फाइटिंग में लेटे भारत सरकार के पॉलिसी के तहत 1944 की घटना के बाद जो हमने बताया अभी ब्रीफिंग में कि मुंबई के डॉक पर बंदरगाह पर जो ब्लास्ट हुआ था कि घटना घटी थी, उसके बाद से भारत सरकार ने इसको 1965 के बाद से फायर अवेयरनेस वीक के तौर पर कंटिन्यूस देश में आदेश जारी करके इसको मनवाया जाता है और एक वीक का कार्यक्रम रहता है इसमें, जो आज से चलकर 20 अप्रैल तक चलेगा। तरह तरह की इवेंट्स इसमें ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिससे कि लोगों के साथ जुड़ा जा सके और लोग भी फायर सर्विस के माइट को, उसके कार्य को समझ सकें और अवेयरनेस को जान करके सीख करके अपने परिजनों के, अपने जो भी वैल्यूबल्स हैं संपत्ति की रक्षा कर सकें और सहयोग दे सकें। अभी तक हमने ये फायर सर्विस जो हमारा फायर एंड इमरजेंसी सर्विस J&K UT का है, पिछले अगस्त 2022 से करीब 1.5 सालों से हम लगातार फायर अवेयरनेस का प्रोग्राम करते आ रहे हैं। 4000 से ज़्यादा 4400 के करीब हमने फायर अवेयरनेस का प्रोग्राम डिफरेंट सरकारी संस्थानों, गैर सरकारी संस्थानों में स्पेशली हमने फोकस करा स्कूल का। स्कूल में वैसे बच्चों को जो कि 10वीं और ऊपर के हैं, कॉलेजेस को टारगेट किया, इवन हॉस्पिटल्स को करा है और सिक्योरिटी फोर्सेज कैंप को, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को, कई जगहों पर पब्लिक डिमांड पर
हमने गांव में भी ऑर्गेनाइज करा है, कई अपने मॉल्स और इवन सोसाइटियों में जा कर के हमने फायर अवेयरनेस का प्रोग्राम करा है, और करीब 5,55,000 से ज़्यादा लोगों को अभी तक हमने डायरेक्ट रूप से फायर अवेयरनेस के लिए ट्रेंड करा। हमने डेमोन्स्ट्रेशन करी कि हमारे जो फायर फाइटर्स हैं वो अपने अपने लेवल पर हर वेडनेसडे को, हर वीक के वेडनेसडे को हम हमारे टीम जो है फायर फाइटर्स की, वो जा करके अपने अपने इलाके में, अपने अपने जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में फायर अवेयरनेस का प्रोग्राम करते हैं। अपने कार्यों के अलावा जो हम फायर फाइट के काम में कोई यदि होता है बीजी, तो वो अपने उस दिन का ड्रॉप अगले वीक में उसको टेकअप करते हैं, और ये सिलसिला चलता रहेगा। और हमारा मोटिव यही है कि हर घर में हम एक फायर फाइटर तैयार कर दें, हर घर में एक हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर लोग मौजूद हो, जहां पर कोई भी आग की घटना यदि घटती है तो इमीडिएट तौर पर वो जो भी प्रिवेंटिव एक्शन होता है वो करना हो वो कर सकें, जब तक कि हमारे फायर सर्विस की गाड़ी और हमारे जवान और हमारे ऑफिसर्स पहुँचते हैं। जी, थैंक यू।